छुट्टी का दिन है और मुझे आज पीचू से मिलने जाना है। अगर पीचू से नहीं मिला ना तो वो गुस्सा हो जाएगी मेरे से। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ पीचू के घर में। गोमू तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम बाद में आना। पीचू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे को पीचू ने बोला कि तुम यहाँ से जाओ? पीचू आज नहीं तो कल यहाँ से हमें जाना ही था, और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मम्मी जी मुझे ना अपने दोस्तों की और गोमू की बहुत याद आएगी, मेरा यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं है। पीचू मैं अब कुछ नहीं कह सकती, अब मैं क्या करूँ बेटा? अब तुम्हें अपने कपड़ों की पैकिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए पीचू, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हमें यहाँ से जाना है। पीचू को फोन करता हूँ मैं। पीचू ने फोन काट दिया। पीचू ने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या बात है, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा पीचू के घर में। नमस्ते आंटी जी, पीचू को क्या हुआ? पीचू क्यों बीमार हो गई? अच्छा हो गया गोमू तुम घर आ गए हो। मैंने भी पीचू के सारे दोस्तों को फोन कर दिया है कि सब घर पे आ जाए। हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहे थे, इसलिए पीचू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती है और उनके बिना बिल्कुल उससे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बीमार हो गई है। उसे अपने फ्रेंडों की बहुत याद आती है, इसलिए गोमू अब हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पीचू की ऐसी तबीयत खराब रहेगी तो हम कैसे जाएंगे।